हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की टॉपिक है कि LIC 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो यदि आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं और आप LIC की 1 करोड़ सम इंश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी, 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर 1 करोड़ टर्म प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर बता देंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस हमेशा क्रिएट करते रहता हूँ, यहाँ पर इंश्योरेंस से संबंधित बात करते रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टर्म प्लान एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपको बहुत ही सस्ती प्रीमियम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यह एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है जिसमें आप अपने इंश्योरेंस के प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के लिए अच्छी इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन ले सकते हैं। टर्म प्लान के लिए आप LIC के जीवन अमर प्लान को ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पर उपलब्ध है LIC टेक टर्म प्लान, उसे भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है जिसके आप टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप टीवी पर या फिर यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे आपको ऐसे एडवर्टाइज देखने को मिलेगा जहां पर टर्म इंश्योरेंस 500 रुपीज़, 400 रुपीज़ महीने में सेल किया जा रहा है। तो इस तरह के भी आप इंश्योरेंस को ले सकते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी की जो क्लेम रेशियो है ये कितना है। जितना अच्छा क्लेम रेशियो रहेगा उस कंपनी से अगर आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें आपको 1 करोड़ रुपए की या फिर उससे ज़्यादा की इंश्योरेंस कवर रहता है। जब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद नॉमिनी को जितना भी आपने सम इंश्योर्ड ले रखा है ये सम इंश्योर्ड का बेनिफिट मिलता है नॉमिनी को, यानी कि आपके परिवार को। तो अगर आप ऐसे में आपका जो भी कंपनी है ये कंपनी की जो क्लेम रेशियो है अगर अच्छी नहीं है, अगर ऐसे में अगर डेथ होता है पॉलिसी होल्डर को और अगर कंपनी डेथ क्लेम सेटल नहीं करता है, तो वैसे में आपका परिवार जो है, आपका जो नॉमिनी है, उन्हें डेथ बेनिफिट जो है इंश्योरेंस का जो भी बेनिफिट है उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आपको सबसे पहले LIC की कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी हो उसका क्लेम रेशियो आपको देखना पड़ेगा कि अभी फ़िलहाल कंपनी का क्लेम रेशियो कैसा है, कंपनी किस तरह से पेमेंट कर रहा है, क्या अभी तक कोई क्लेम ऐसा है जो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, कैसा है, ये सभी डिटेल्स आपको पहले देखना पड़ेगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आप LIC में देखेंगे तो LIC में जीवन अमर प्लान जैसे कि है, इसके बाद LIC की टेक टर्म प्लान जो कि ऑनलाइन में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप LIC की इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर आप देखना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्लान में आप देख सकते हैं जीवन लाभ प्लान, इसके बाद आप न्यू एंडोमेंट, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग और भी ऐसे बहुत सारे LIC की इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आप 1 करोड़ सम इंश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि LIC की जो 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस के बारे में, LIC की 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस में ऐसी कोई अभी तक प्लान नहीं है जिसमें सिर्फ 1 करोड़ ही सम इंश्योर्ड दिया जाए। इसीलिए 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आप जीवन अमर या फिर LIC के टेक टर्म को देख सकते हैं। जब आप जीवन अमर प्लान को आप देखेंगे तो जीवन अमर प्लान में बहुत सारे ऐसे अन्य बेनिफिट्स भी है, जैसे कि आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस राइडर जो है उसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जीवन अमर प्लान में लेवल सम इंश्योर्ड, इसके बाद इंक्रीजिंग जो सम इंश्योर्ड है इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम पेमेंट मोड में आपको वहाँ पर सिंगल प्रीमियम, इसके बाद लिमिटेड प्रीमियम, फिर रेगुलर प्रीमियम की जो ऑप्शन वहाँ पर दिया जाता है उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। वहीं पर और भी वहाँ पर अन्य जो बेनिफिट्स है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जीवन अमर प्लान या फिर LIC के टेक टर्म प्लान में आपका उम्र यानी कि जो मिनिमम एंट्री एज है ये 18 साल है और उसमें मैक्सिमम जो एंट्री एज है ये 65 ईयर्स तक है, यानी कि इसके बीच में कोई भी LIC की टर्म प्लान को ले सकता है। लेकिन इसमें आपको जो LIC की जो टर्म है यानी कि जो पॉलिसी की जो टर्म है उसमें आपको 10 साल से 40 साल के बीच में रखा गया है। आप 10 साल के लिए भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, 20 साल के लिए ले सकते हैं, 30 साल के ले सकते हैं और 40 साल के लिए भी आप ले सकते हैं। LIC की जो टर्म प्लान है या फिर कोई भी अगर आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप
यंग एज में, यानी कि जब आपका उम्र कम है तभी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदें, जिससे आपको प्रीमियम की बचत होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदा है तो आपको भी रिकमेंड किया जाता है कि चाहे आपका उम्र कुछ भी हो, आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, जिससे आपका परिवार को एक अच्छी प्रोटेक्शन मिले। आपके ना रहने पर आपका परिवार को इंश्योरेंस का बेनिफिट्स मिले, उनका जो फिनेंशियल जो कंडीशन है ये अच्छी रहे उस वक्त आपके ना रहने पर भी। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और अगर वहीं पर देखा जाए तो अगर आप LIC की इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर आप अच्छी इंश्योरेंस कवर अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में और LIC की जो इन्वेस्टमेंट प्लान है इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क रहता है। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वहाँ पर आपका पैसा भी बचत होता है, वहाँ पर आप बोनस अर्निंग करते हैं, वहाँ पर आपका मेच्योरिटी का बेनिफिट्स है, वहाँ पर आपका लोन फैसिलिटी है, वहाँ पर सरेंडर की फैसिलिटी है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है LIC की जो इन्वेस्टमेंट प्लान है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में इस तरह की कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का मेच्योरिटी का बेनिफिट्स, लोन, सरेंडर कुछ भी नहीं है। तो LIC की जो टर्म प्लान है या फिर कोई भी टर्म इंश्योरेंस है उसमें आपको सिर्फ प्रोटेक्शन प्लान ही है, सिर्फ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन रहेगा। और इसके अलावा वहाँ पर आपको टैक्स का बेनिफिट्स मिलेगा इनकम टैक्स की, जिसमें आपको सेक्शन 80C के तहत आप इनकम टैक्स का छूट वहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इस तरह आप LIC की जो 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस है उसे आप खरीद सकते हैं और आप अपने परिवार के लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस का प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिला होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।